పాదము శ్రీ రామ పాదము శ్రీ రామ పాదము పాదము మన రామ పాదము పాదము మన రామ పాదము గోవింద పాదము గోపాల పాదము గోవింద పాదము గోపాల పాదము గోవింద పాదము గోపాల పాదము పాదము It's an interesting trip what we see. इसमें ज़्यादा अयोध्या और काशी सरयू सब दिख रहा है हमको एंड वी आर रियली एक्साइटेड एज अ स्टूडेंट कम्युनिटी. दिस इज अ कोऑर्डिनेटेड बाय मल्टीपल इंस्टीट्यूशन IIT मद्रास BSU एंड ऑल दैट. सो दिस कुड ऑल्सो गिव फॉर अ कल्चरल एक्सचेंज एंड ऑल द हेरिटेज एक्सचेंज. सो वी हैव अ वेरी डीप हिस्टोरिक कनेक्शन बिटवीन नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया. सो द टेम्पल्स हियर एंड नॉट जस्ट दैट द मेडिकल साइंस. For example, I'm a biotechnology student. Yeah. I've always been seeing how to translate that medicine into, you know, evidence-based medicine and all that. Okay. So I think this could be an explanatory journey for all that. It's will a new experience because we were going to see a new kind of persons from there. You will experience a lot of memories from there and we will get a lot of knowledge from there. Cultures will be very important for us. More thankful for him for giving this opportunity to the students from Tamil Nadu to travel over there to and it's a huge experience for us. I'm extremely happy to participate in this Kasi Tamil Sangam. I'm Balwanan from Madurai, Tyagaraja College. I'm doing my PG in Tamil Literature. I know that the Tamil Nadu and the Kasi has its own value of significance on history, like poet Bharati and Kumara Gurubara, who have their lifestyle on Kasi. I'm extremely happy to participate in this event because we have the tradition. We have to know the roots of tradition. I once again thank our PM for giving this wonderful opportunity. Varanasi mein hamari kendra sarkar ne ek karyakram ko aayojan kiya hua hai. वो तो काशी तमिल संगमम है. इसमें नॉर्थ और साउथ दोनों के बीच में कुछ डाइवर्सिटी है ना, उसको ब्रिज करने के लिए एक कोशिश हो रही है. इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद. एक भारत श्रेष्ठ भारत की फल ही है ये कार्यक्रम. इसलिए हमारी माननीय भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को हमारी सादर प्रणाम. आई एम रियली थैंक टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर नरेंद्र मोदी फॉर दिस प्रिविलेज अपॉर्चुनिटी टू द स्टूडेंट्स ऑफ तमिलनाडु. ओवर 260 स्टूडेंट्स हैव गॉट दिस अपॉर्चुनिटी टू विजिट काशी. सो वी हैव द अपॉर्चुनिटी टू नो द कल्चरल एंड ईवन द साइंटिफिक things related to in Hindu tradition through this Kasi visit. So we are really thanks to this opportunity. Really thanks to Mr. Narendra. बहुत खुश लग रहा है कि काशी तमिल संगम में एक मौका मिला है वाराणसी जाने के लिए. यहाँ से there are a lot of similarities between the Tamil culture and the culture of Varanasi that must be put forward here. Jaise ki Mahakavi Subramanya Bharati jo Varanasi mein bahut saal reh chuke hain, and people like and great saints like Kumara Guru Appar, who had actually built the layover or the foundation to build the Kashi Vishwanath Mandir. Ye ek bahut acha mauka hai aur opportunity hai. Jaise hum jaise young students, we get the opportunity to meet academicians. हम बहुत सारे लोगों से मिलजुल के बातें करके उनसे उनका एक्सपीरियंस एडवाइस बहुत सारे अच्छा अच्छा एक्सपीरियंस मिल रहा है इससे. एंड आई रियली वांट टू थैंक आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी. काशी कल्चर और तमिल कल्चर में कितना सिमिलैरिटीज है. यहाँ पे और भी लोग हैं जिनके साथ मैं बातें करता रहता हूँ और आई एम गेटिंग टू नो अ लॉट मोर एंड दिस इज बीइंग अ वेरी होलिस्टिक एक्सपीरियंस फॉर मी. माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी जो है विश्व में विविध आयामों को दृष्टिकोणों को रखते हुए आर्थिक सामाजिक और जो है भौगोलिक दृष्टि में अपनी जो है यात्राओं के माध्यम से विभिन्न देशों के संस्कृतियों संस्कारों को जोड़ने का प्रयास विभिन्न भाषाओं के माध्यम से कर रहे हैं. मोदी सरकार अपने आप में
हमारे देश के लिए महानतम प्रधानमंत्री की श्रेणी में जो है खड़े हैं। उनका जो काम है वो यूथ को बहुत इंस्पायर करता है। वो जिस तरीके से शांत रह के काम करते हैं वो मुझे बहुत पसंद आता है। यहाँ कल्चरल के लिए उन्होंने बहुत काम किया है। आप देख रहे होंगे कि कितना बदलाव आया है बनारस में। और जो अभी जो बोल रहे हैं आप तमिल वाला जो करा रहे हैं तमिल संगम, तो बूस्ट करने के लिए कर रहे हैं। मुझे लगता है कि बहुत ही सराहनीय काम है उनका। मैं यहीं का रहने वाला हूँ तो मैंने बहुत बदलाव देखा। और एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत जो उन्होंने सांस्कृतिक चीज़ों को जोड़ने का प्रयास किया है, तो हम लोग सांस्कृतिक दृष्टि से तो एक अलग कभी रहे ही नहीं है, एक ही रहे हैं। बस एक गैप आया था जिसको नरेंद्र मोदी जी उस गैप को भर रहे हैं। और बहुत ही अच्छा उनका सराहनीय कार्य है और हम लोग बहुत खुश हैं।